नमस्कार दिनर प्रमुख खबर सह अर्गस प्राइम ओडिशा को स्वागत करुछि मो शक्ति साई मिश्र आगक बढ़िया पूर्व प्रथम देखा आसतु कौन रही वर्तमान रिलायंस चित्तरंजन हत्याकांड बिवाद भितर को ठेली हो जाउछंती संजय दास वर्मा घड़ी घड़ी के बदलाउछंती कथा सीबीआई तदंत दाबी रे ब्रह्मगिरी रे बीजेपी रा गर्जन पदवीरु बहिष्कार सह सर्किट हाउस सीसीटीवी जांच दाबी कले विरोधी ममिता क्षेत्र में जहां चित्तरंजन मामलें भी सैया से गृहराष्ट्र मंत्री एटी योजना बोर्ड उपाध्यक्ष कहीं बयान बदलाइले पीड़िता परिवार पलटा पछरे चाप ही कारण कि अपारगता सत अवहेला ढाल पक्का घर को नहीं पदारे पड़ा राज्य सरकार का बड़ मिछ आवास को नहीं मुहांमुह बीजेडी और बीजेपी ग्राउंड जीरो रु अर्गस स्पेशल रिपोर्ट राजवीर पर राजधानी रे असहाय बापा मां उन्नीस मास शिशु को बचाईवा परिवार प्रयास जारी ओडिशावासी को सहायता पाई कले निवेदन बरगड़ चासी प्रहलाद राउत मृत्यु पर दायी किए राज्य सरकार टोकन विभ्राटर शिकार हेले कि अन्नदाता बीजेपी नेता प्रदीप रोहित का अभियोग टोकन षड्यंत्र गला चासी जीवन राजधानी बीजेडी रे फाट नेतृत्व समावेश रे नेता पतियारा लड़े अशोक और अनंत अणदेखा सुशांत का दबदबा जाहिर चर्चा समावेश सामना को आसला दलय अंतकंदल चित्र राज्य में बढ़ुची महिला विरोधी अपराध और निर्यातना किंतु कहीं खर्च हो पारे निर्भया पांठि आरटीआई रिपोर्ट कहुची खर्च हो मात्र 49% केन्द्र आसुची अर्थ खर्च करशा चित्तरंजन का मृत्यु को नहीं अड़ुआरे संजय दास वर्मा भिन्न भिन्न प्रतिक्रिया को संजय को नहीं बढ़ुची संदेह सेपटे सीबीआई तदंत दाबी रे ब्रह्मगिरी रे गर्जी बीजेपी योजना बोर्ड उपाध्यक्ष को बहिष्कार सह मुख्य षड्यंत्रकारी को गिरफ दाबी उठाई दल सर्किट हाउस सीसीटीवी जांच पाई दाबी करिसंती विरोधी ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ଛଡ଼ା ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନାହିଁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପୋଲିସ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ତଦନ୍ତ କରିବ କିଭଳି ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗକୁ ଯିବ ସେଥିପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିବି ଏତିକି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠିକ୍ ବାଟରେ ହେଉ ଏବଂ ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଉ बहुचर्चित चित्तरंजन पलेई हत्याकांड रे विवाद रे योजना बोर्ड उपाध्यक्ष संजय दास वर्मा घड़ी घड़ी के बाउली हेउछंती दास वर्मा बेळकु बेळे कहउछंती भिन्न कथा केते बेळे चित्त बड़ बापांकु धरी एसपी को साक्षात करी क्राइम ब्रांच तदंत दाबी करउछंती त आउ केते बेळे तदंत ठीक बाटरे चालुथिबा कहउछंती संजयक व्यक्तिगत सहायक चित्तरंजन पलेई को मृतदेह मिलवा दिन ठारु विवाद रे अछंती दास वर्मा आ ए परिस्थिति रे जेपरि ढंग रे से प्रतिक्रिया देउछंती से कोन डीजीपी की बोली प्रश्न करिछंती विरोधी तबडे दास वर्मा को भूमिका को नै प्रश्न उठाइथिले खोचितक पत्नी ओ परिवार सुनतु कोन कहिछंती जटुर आपे घर को जाय तुमको से पेली की छाडी देले संजय दास वर्मा कहले 11टा सुद्धा तुम घर जाय तुम बिल को नै पहुंची जिवु बि बरसार 2200 टा होचे एया से एमिते घर जाने चित्तरंजन हत्याकांड घटना रे सीबीआई तदंत दाबी करिछि बीजेपी
एने दल पक्ष आज ब्रह्मगिरी करा विराट प्रतिवाद सभा दल दाबी करी योजना बोर्ड उपाध्यक्ष को प्रथम पदवी बहिष्कार कराओ मुख्य षड्यंत्रकारी गिरफ कराओ ओडिशा पुलिस तदंत कले योजना बोर्ड उपाध्यक्ष पाखे पहुंची पारना सीबीआई तदंत कले खोल रहस्य योजना बोर्ड उपाध्यक्ष रही सर्किट हाउस सीसीटीवी जांच कराओ आमर ओडिशा पुलिस किंबा क्राइम ओडिशा पुलिस क्राइम ब्रांच विभाग प्रति बिल्कुल आम सपोर्ट करूना और निरपेक्ष हमारी बोली आम जानूँ तेणु आमर गोटे डिमांड जे यू सीबीआई को हस्तांतर कर सीबीआई तदंत कले उचित न्याय चित्तरंजन परिवार पाइब बोली आम आशा करूँ आम मर विश्वास ना क्राइम ब्रांच आम राज्य पुलिस विश्वास ना राज्य पुलिस हूँ नेता मंत्री जो मैंने क्राइम कर ममिता मेहर प्रसंग भी देखिलु एमानकर प्रोटेक्टर होचंती पुलिस एमानक पास आगरे चाकरी पाई बिक्री होचंती क्राइम ब्रांच सब वाले तथ्य को नष्ट करया लागजी तेनु माटीर ब्रह्मगिरी माटीर पो को न्याय देबा पई आमे सीबीआई इन पे दाबी करूचु एवं प्रथमे संजय दास वर्मा जेतु तांकर चतुर्पार्श्व लोकंकु तदंत भितरे रहिचंती तेनु संजय दास वर्मा तुरंत इस्तफा देबा दरकार तबडे ई प्रसंग को नै सरकार को ऊपर बरसिछि कांग्रेस अभिजेडी मुख्यालय संपादक को तुरंत गिरफ्त करने दावी कर दल गोटेपटे संजय दास वर्मा व्यक्तिगत सहायक मृत्यु को नहीं प्रतिवाद निया उग्र होता बेले तदंत सठिक बाटर जीवी संजय विजु जनता दल कार्यालय कार्यालय संपादक बस तुम जदि ठीक वर्दी अच्छी तुम्हें यदि ओडिशावासी को न्याय देवा चाहू तेल आलिगेसन आह्मगिरी ब्रह्मगिरी कार्यालय संपादक आलिगेसन आए मारी मुझी एति तदंत चली तदंत प्रक्रिया ठीक बाटर हो दोषी दंड पा चित्तरंजन हत्याकांड को नहीं संजय दास वर्मा बढ़िवार लगी अड़ुआ सारा ब्रह्मगिरी रे भी प्रतिवाद सेपटे व्यक्तिगत सहायक हत्या घटन खोद संजय सरकारी पीएसओ अटक रहा घटना घटा दिन ठार् पुरी सर्किट हाउस संजय डेरा पक र चित्तं बड़बापा को नहीं एसपी को भेटेबा घटनार दुई दिन पर सदस्यों सह दीर्घ समय आलोचना करने घटना को नहीं दास वर्मा भूमिका को नहीं उठी प्रश्न सेपटे तदंत भार नहीं क्राइम ब्रांच आज भी तदंत जारी रखी पुरी कालचरण साहू आलोकाशुतोष नायकों सह भुवनेश्वर दिव्यज्योति महांती रिपोर्ट अर्गस न्यूज कहीं बयान बदलाव चित्तं परिवार लोके चित्तरंजन मृत्यु परिवार लोके सीधा सीधा योजना बोर्ड उपाध्यक्ष तथा बीजेडी हेवीवेट संजय दास वर्मा हाथ थी अभियोग आनी बेले एवं बदलाव बयान अनेपटे ममिता मृत्यु परिवार लोके मंत्री दिव्यशंकर को दायी करते भी पर बदल बयान तेरे मामला को रफा दफा करदे पीड़िता परिवार उपरे पड़ुछि कि चाप पुलिस बहुत जथेष भरोसा अच्छे से मत न्याय देवे संजय दास वर्मा भी से पुलिस जहाँ तदंत कर संपूर्ण संतुष्ट अच्छे शारीरिक संपर्क रखापी आसुले मंत्री आसुले ममिता मामलें जहा है चित्तरंजन रे भी से सेठी गृह राष्ट्र मंत्री एठी योजना बोर्ड उपाध्यक्ष कहीं बयान बदलाइले पीड़िता परिवार पलटा पछरे चाप कि योजना बोर्ड उपाध्यक्ष तथा बीजेडी हेवीवेट संजय दास वर्मा पीए चित्तरंजन मृत्यु एवं भी रहस्य घेर आंदेह घेर संजय दास वर्मा जो दिन मृतदेह मिलला परिवार लोके सीधा सीधा अभियोग आनी हत्या पछरे संजय दास वर्मा हाथ अच्छी चित्तरंजन पत्नी से ही कथा कही आज बयान बदल चित्तरंजन पत्नी मोर क्राइम ब्रांच पुलिस बहुत जथेष भरोसा अच्छे से मत न्याय देवे मो स्वामी के न्याय देवे मोर संजय दास वर्मा भी से मो स्वामी के नहीं प्लीज राजनीति करूँ ना राजनीति प्लीज करूँ ना
बहुचर्चित सनशाइन स्कूल प्रिंसिपाल ममिता मेहर हत्या और महालिंग जौन केलेंकारी रे भी समान घटना घटी। ममिता बापा प्रथमे सांघातिक अभियोग करी परे पलटी जाइथिले। मु जहाँ भावुची गृहमंत्री हाथ अच्छी से चाप पक एसपी को ताकु फेरार कर दि जदि सिक्यूरीटी न दे था पलैब केमी फेरार हेब केमी। दुई हाई प्रोफाइल केस रे काहीके बदलिला परिवार लोकों बयान सेमानक उपरे पड़ी कि चाप प्रलोभित करिछंती कि परिवार लोकों गोटे कारण कौन से विभिन्न प्रक्रिय विभिन्न मध्यम मानते कौन से लोक भेटा दौना अंधार रखाई मैंने साधारण लोकों ना अभियोग आता से लोक कौन जाए इनफ्लुएंस करता से लोक ना लोक आलिगेसन स्त्री कर भौणी कौन कौन एसपी को भेटे था एसपी के जेरा न करके एसपी तो रखीदा कथा जो पर सागर जाते पाखक आगे एसपी बांधा कथ चाप अच्छे निश्चित सांगे आणुची जी दोषी से अतीत में कहली आपको से एविडेन्स लुचेबार सफल होती। ममिता केस रे संदेह घर में पुलिस तदंत आउ चित्तरंजन मामलें प्रश्न घेर में क्राइम ब्रांच सेठी सुरक्षा रे दिव्य शंकर आउ एठी संजय पुरीरु आलोक आशुतोष नायक और कालुचरण साहू का रिपोर्ट अर्गस न्यूज। परवर्ती खबर को जीवा अपारगता सत अवहेला ढाल पक्का घर को नहीं पदारे पड़ा राज्य सरकार का बड़ मिछ आला बला हाथ में आवास दे एवं केन्द्र अवहेला कथा उठाउछंती राज्य सरकार जहाँ को नहीं मुहांमुही होती बीजेडी और बीजेपी। पक्का घर बड़ मिछ सत धराई देला राज्य सरकार कर ट्रैक रिकॉर्ड बीजेडी सरकार निजर अपारगता को लुचाया आरंभ कला अवहेलार नारा अपदरे पड़ा राज्य सरकार कर असल चेहरा अपारगता थिला सत अवहेला को करागला ढाल आवास को नहीं मुहांमुही बीजेडी और बीजेपी कहीं पूरा होना मुंड उपरे पक्का घर बड़ प्रतिश्रुति राज्य सरकार कर अपारगता ना केन्द्र सरकार का अवहेला किए दायी 2019 मसीहा सुधा समस्त मुंड उपरे पक्का घर बीजेडी थिला आवास सुरक्षार प्रतिश्रुति 2014 मसीहा निर्वाचन पर चतुर्थ पाली बीजेडी सरकार प्रथम कैबिनेट रे समस्त मुंड उपरे पक्का घर मिलिबारे लागिथिला सरकारी मोहर केन्द्र सरकार केते घर देबे जेतिकी गुरुत्वपूर्ण नुहे राज्य निजस्व योजना विजु पक्का घर जोगाई देबाकू सारा राज्य रे करिथिला प्रचार एबे काहीकी बीजेडी रा बदलीछि स्वर अपारगता कु लुचाई केन्द्रीय अवहेलार नारा रे व्यस्त शासक बीजेडी निजे पक्का घर करिया पई देइथिबा प्रतिश्रुति कु भूली जाइछंती कि 22 वर्षर सरकार एबे गोटिए अभियोग काहीकि कच्चा घर और खोला आकाश तले थिबा गरीब ओडियांकु पक्का घर मिलू नाही खोलीछि राज्य सरकार को फोन ओडिसा पई भरोसा मोदी को प्रधानमंत्री आवास योजना बोली बीजेपी कहिथिबा बेले एहाकु नै आरंभ होइ जाइछि राजनैतिक बिजु जनता दल चाहे ना गरीब लोक घर पाऊ बिजु जनता दल चाहे कमी भोट मिल जो जगार बीजेपी एमपी मान अच्छे सुन कमी करदे कहीं कर बीजेपी को भोट देते लोक से घर देवेनि प्रधानमंत्री घर दौरान तेणु ये राजनीति ओडिशा सरकार विजु जनता दल सरकार बाहर दरकार केन्द्र सरकार राज्य सरकार उभय लोक ठकुं निज निज भर गोटे ये तापरे कादू फोपाड़ सी तापरे कादू फोपाड़ किंतु जे गरीब लोक जो घर मिलवाटा क्या मिलूनी ए 22 वर्ष भितर जी दुर्नीति कहले न सर केन्द्र सुजोग देला राज्य सरकार जानी सुनी गरीबों को सामिल कले नहीं गोली अभियोग एसीसीसी तालिका बाहर पक्का घर नथिबा उड़िया परिवार को घर जोगाई देवा पाई मोदी सरकार सुजोग सृष्टि करिसंती आवास प्लस विंडो काही की खोलुनी बोली बीजेडी अभियोग आणुची तथ्य कहुची इतिमध्यरे चारि थर भारत सरकार विंडो खोलिले भी राज्य सरकार तत्परता देखाई नाहंती नजर पकांतु आवास विंडो खोली गरीब लोकों को सामिल करिबा पाई मोदी सरकार का प्रयास 30 जून 2018 30 सेप्टेम्बर 2018 30 नवेम्बर 2018
7 मार्च 2019 एसबु तारीख रे खोलीथिला आवास प्लस विंडो विश्लेषकक अभिजोग निर्वाचन मुंडो उपरे थिबारु काले पक्का घर देई मोदी ना नै जिबे राज्य सरकार जानी सुनी गरीब ओडियांकु प्रधानमंत्री आवास योजना रु दूरे रखिबाकु षडयंत्र करथिले। विशेष भाबरे फणी बात्या प्रभावित जिला पुरी खोर्धा नयागढ़ केन्द्रापड़ा जाजपुर जगतसिंहपुर कटक भद्रक बालेश्वर ढेंकानाल गंजाम अनुगुल मयूरभंज और केन्दुझर आदि जिला पई आवास प्लस मोदी सरकार खोलिबा कारणरु 3,99,000 लोकंकु एई जिला मानकरु सामिल हेबार सुजोग तयारी हला। फनी 2019 भोट ग्रहण परे परे आसीथिला राज्य सरकार को स्लोगान थिला मुंडो उपरे पक्का घर बन्या बात्या को नाही डर बीजेडी रो मिछ स्लोगान न पोल खोलीथिला फनी। आज भी फनी विध्वस्त पुरी जिलार अधिकांश ब्लॉक रे लोके पॉलिथिन टाणी रहउछंती। केंद्र सरकार ओडिशा को पर्याप्त घर देले राज्य दलियों आधार रे बांटी देले जेमान को मुंडो तेल नाही सरकार सेटी तेल दउ नाहंती जेमान को तेल अछि ताको मुंडो डेली डेली तेल मरा होछि। हमो बापा माने जो मान को घरे काम दाम करकि चलतुले मोलिया खटुतुले सेमान को आज्ञा दुटा तीन टा लेखा घर सेमती इंडिविजुअल सर मु ना धरले तो एटी गुंडारा चलिबो एटी खंडा तरबाल रो काम हुए। आवास योजना रे महा घोटाला 1,000 कोटी टंका रो घोटाला आ केंद्रीय टंका हरिलुट एपरि सांगातिक अभियोग आनिछि बीजेपी। अभियोग नंबर 1 अयोग्य हिताधिकारी माने तांको पितांको नाम रे प्रधानमंत्री आवास योजना रे पैसा रहिछंती। अभियोग नंबर 2 गुहाळ को कच्चा घर भाबरे जियो टैग करा जायछि। अभियोग नंबर 3 राज्य सरकार को द्वारा वेबसाइट रे निर्मित घर रो डमी बा नकली एंट्री करा जायछि। अभियोग नंबर 4 प्रधानमंत्री आवास योजना रो स्टिकर छोटो आकार रे ओ बिजू पक्का घर योजना बड़ स्टिकर भाबरे लगा जायछि। अभियोग नंबर 5 अधिकांश घर रो काम निम्न मानर अनेक घर असंपूर्ण होई रहिछि केउठी घर रो छात नाही त आउ केउठी शौचालय नाही। अभियोग नंबर 6 मनरेगा रो 90 दिन रो घर निर्माण पई राज्य सरकार मजूरी प्रदान करी नाहंती। आवास योजना रो अनुधान पई आसीथिबा केंद्रीय दल खोली देछि पक्का घर रो वास्तव शतक बाहात डाहाण हात करी ब्लॉक स्तर रे होइछि बड़ केलेंकारी। आवास सब डाटाबेस रे वीडियो को द्वारा 98,562 हिताधिकारी को मैनुअल ओवरराइडर पांठी हस्तांतर करा जायछि। आवास योजना बंटन रे सरकार टाळटुळ नीति ग्रहण करिछंती। 2021-22 आर्थिक वर्ष रे बरगढ़ बलांगीर बौद्ध कलाहांडी कोरापुट नवरंगपुर रायगढ़ संबलपुर और सुंदरगढ़ परी आकांक्षी जिले में आउटो घर बंटन हो नथिबा बेले झारसुगुड़ा जिले में मात्र 4टी घर बंटा जाइथिबा बीजेपी अभियोग करिछि। आउ केंद्रीय टीम एक्शन नेबाकु सुपारिश करथिबा बेले राज्य सरकार किंतु चुप अनियमितता रे संपुक्त अधिकारी विरोध में मामला रुजु वीडियो ट्रांसफर अर्डर द्वितीय दस्तखतदारी और अन्य सुपरभाइजर जो मैंने सर्टिफिकेट देते विरोध में कार्यानुष्ठान सुपारिश होते भी आक्शन सुन से सारा राज्य में आवास केलेंकारी थिला वाला हाथ में पक्का घर आउ नथिला वाला को मिलुनी घर जहां ग्राउंड विजुअल रु स्पष्ट हेउछि बेसी असुविधा रे बेले देखु छु पुरा केते कोइ कोइ टोकी गलिनि मई की त कहियो घर नाही द्वार नाही बोली केते कोइछि से सरकार मन को सब तो आइले से कोइते छु आउ से तो मत देबे नाही आउ को गरीब लोग त मत देखु छ आम साईटा देखिलो कोडी कार ओटा घर देखैलो अछि सेई आइ दिन एंती आडू साडू गुंजी गांजी की सेंती रही छथि बरे असुविधा आपण माने रहउछ बरे असुविधा सरकार कहउछ सरकार निजे से देखि जानतु हम केन रहउछ तबे सरकार कहउछ घर घर दोछ हम के एमिति काही रहइछ जे पाले फाले टंगे किना पाले तड़े हम आश्रय नउछ जा फल कि हमरो जो पंचायत ऑफिस जाउछ से दौड़ुछ से कहउछ हवा या पर आसीबो तापर आसीबो पुणी हमर आधार कार्ड जे रखनो छथि पटा जे रखनो छथि तापर भी हमर काही लिस्ट भी किछि बाहरुनी राज्य रे आरंभ होइ जाइछ आवास कली एने मुख्यमंत्री मध्य केंद्र सरकार को लिखिछंती चिट्ठी आउ एबे दस्तावेज थोई राज्य सरकार को विफलता को केंद्र मंत्री गिरिराज सिंह को आगरे थोई बीजेपी सांसद टीम 2024 मसिया सुधा समस्त मुंड उपरे पक्का घर थिबा कथा प्रधानमंत्री कहिथिबा बेले राज्य सरकार गरीब ओडिया को सामिल करिबे की तालिका रे। ब्युरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। प्राइम ओडिसा आगो को भी रही छ अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर किंतु सभा जी गोटे छोटो विरति रहो वाराणसी अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन उद्घाटन करिछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया रे ए कार्यक्रम उद्घाटन करी देशर 100टी बड़ा सहर मेयर्स को संबोधित करिछंती प्रधानमंत्री नुआ सहरांचल भारत अभिवृद्धि सरकार लक्ष्य बोली
ए अवसर रे कहिछंति प्रधानमंत्री मोदी। शहरीकरण नुआ भारतर आवश्यकता, आधुनिक नगर व्यवस्था सरकारक लक्ष्य, सहरांचलर अभिवृद्धि देशर विकास पई जरूरी, उत्तम नगरीकरण पई स्वच्छता ही प्राथमिकता। वाराणसी रे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरियारे अखिल भारतीय मेयर सम्मेलनी उद्घाटन करिछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक कार्यक्रम उद्घाटन करी देशर 100टी बड़ सहरर मेयर्स को संबोधित करिछंती प्रधानमंत्री। नुआ सहरांचलर अभिवृद्धि सरकारंकर लक्ष्य बोली एहि अवसर रे कहिछंती प्रधानमंत्री। सहरांचलरे सुगम जीवन यात्रा सुनिश्चित करिबा पई निरंतर प्रयास जारी रहिछि। सहरांचलर भित्तिभूमि और सुविधा सुजोगर अभाव भली समस्या समाधान पई सरकार को योजना को नहीं मेयर्स मान को अवगत कराई प्रधानमंत्री। आपके शहर के अंदर ऐसी कौन सी विशेषता है, पूरा शहर मिलकर के तय करे भाई, हाँ हमारी ये सबसे बड़ी ताकत है, उसको कैसे बढ़ाया जाए। आप देखिए एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक बहुत बड़ा साधन बन जाएगा, यानी शहरों का डेवलपमेंट उसमें एक नए स्तर पर हमको ले जाना है। काशीर विकास देशर विकास को दर्शाउछि। आधुनिक दुनिया रे शहरीकरण रो उन्नति रो आवश्यकता रहिछि। काशी का विकास पूरे देश के लिए विकास का एक रोड मैप बन सकता है। हमारे देश में ज्यादातर शहर पारंपरिक शहरी ही है, पारंपरिक तरीके से ही विकसित हुए हैं। आधुनिकीकरण के इस दौर में हमारे इन शहरों की प्राचीनता में भी उतनी अहमियत है। हम अपने प्राचीन शहरों में उनकी हर गली से, हर पत्थर से, हर पल से, इतिहास की हर तबारीख से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आम देशर सहर मानकर स्वच्छता ही प्राथमिकता हेबा दरकार। स्वच्छ सहर ही एक स्वास्थ्यकर समाज प्रस्तुत कर परिबो बोली एहि अवसर रे मेयर मानकु आह्वान देइछंती प्रधानमंत्री। हम हमारा शहर स्वच्छ रहे, स्वस्थ भी रहे, ये भी हम लोगों का प्रयास होना चाहिए। और मुझे पक्का विश्वास है कि हम घर से निकले कूड़े कचरे से लेकर के, रसोई से निकले हुए कूड़े कचरे से लेकर के, गली मोहल्ले के कूड़े कचरे तक, या इमारतें पुरानी तोड़ करके नई बन रही हैं तो वो भी इन सारी एक जगह तय करें और कूड़ा कचरा फेंक दे, ऐसा नहीं। हम कोशिश करें कि हम उसमें से कैसे आगे आ सकते हैं। एक कार्यक्रम रे उत्तर प्रदेश रो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्र मंत्री हरदीप सिंह सुरी मध्य उपस्थित थिले। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्गस न्यूज। जीवन जीवा को इंजेक्शन दरकार, आउ तार दाम 16 कोटी टंका। से पुणी अमेरिका रो आसीबो। 19 मासर कुनी पुआ राजवीर को बंचाइबा को मुंबई परे एबे दिल्ली रे परिवार किछ टंका जमा होईछि, तेबे वर्तमान भी लक्ष्यठू अनेक दूर रे, किंतु ए सबु संभव होई पारिबो जदि आमे समस्ते एकाठी होई जबा। जदि ताकु शीघ्र से जीन थेरेपी न मिलिबो ता संगरे कोनो से दुर्घटना घटि पारे। मु बहुत आशा रखिछि मु ओडिसा बासी पाखरे जे मु कोलो खाली हेबा पई देबेनी। कष्ट कहिबाकु आम पाखरे शब्द नाही। कुनी राजवीर ना ठीक रे कांदि पारुछि, ना कथा कहि पारुछि, खाइबा छाड़ंतु नाक रे नळी लागि निश्वास भी
ତାପାଇଁ କିଣା ହେଉଛି। ମା ପାଖରେ ଅଳିତ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଶୁଣି ତା ବାପା ମାଙ୍କ ମନରେ ଭୟର ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି। ଆମେରିକାର ଆଶା ତ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସାଉଁଟିବାକୁ ଦରକାର 16 କୋଟି। 19 ମାସରେ ପିଲା ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିନି, ସେ ବାପା ମାଆ କଥା ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ଟିକେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ରଖି ଦେଖନ୍ତୁ। ଅଭାବ, ଆଶା, ହତାଶା ଆଉ ସାହସର ଦୁନିଆରେ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମୁମ୍ବାଇ ଆଉ ଏବେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ। ହାତରେ ସମୟ କମି କମି ଆସୁଛି, ଯାହା କିଛି ବି କରିବାକୁ ହେବ ଏହି 2.5 ମାସ ଭିତରେ। ସୋନୁ ସୁଦ ଓ କିଛି ବଦାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦୟାରୁ ପ୍ରାୟ 70 ଲକ୍ଷ ଏକାଠି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଏବେ ବି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନିହାତି ଦରକାର। 15 କୋଟି ଆହୁରି 40 ଲକ୍ଷ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ 2.5 ମାସ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ବି ଗୁହାରି ଲଗାଉଛି, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଆମ ନବୀନ ବାବୁକୁ ଦୟା କରିକିରି ମୋ ପୁଅଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମା ଭିକ ମାଗୁଛି ତାର ପୁଅର ଜୀବନ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯେତିକି ହେଇପାରୁଛି ରାଜବୀର ଭାଇ 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ଯେତେ ହେଇପାରୁଛି ଦୟା କରିକିରି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ରାଜବୀର ଭାଇ ଡୋନେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଗୋଟେ ମା ହେଇକି ଅନ୍ୟ ମା ମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି କି ଯେତିକି ଯାହା ବି ହେଉଛି ସେମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଡୋନେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ରାଜବୀରକୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ କୁନି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଠୁ ଆଶା ଦିଶିଲାନି, ଏବେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆଶା ଗୋଟାଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ବି ଅପିଲ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଲେ ରାଜବୀର ମୁହଁରେ ପୁଣି ହସ ଫେରିପାରନ୍ତା। ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ବି କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ରାଜବୀରକୁ ବଞ୍ଚାଇଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଜୀବନରେ ବି ଆହୁରି ବଞ୍ଚାଇବା। ଏଇ ଯେଉଁ ସାହସଟା ଆପଣ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମିଳିଛି ଆମକୁ, ତ ସେ ସାହସରେ ହିଁ ଆମେ କିଛି ଛୁଆ ପ୍ରତି କିଛି ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁଛୁ। ଶୁଣିକି ବହୁତ ଦୁଃଖ ହୁଆ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉସ ବାରେ ମେ କୁଛ ବି ଆକ୍ସନ ନେଇ ଲେ ରହି ହାଁ ପେ ଉନକୁ ବି ମତଲବ ପରେଶାନ କିଆ ଜା ରହା ହେ। ହେଲ୍ପ ନାଇଁ କର ରହେ ତୋ ଚଲୋ ଠିକ୍ ହେ କୋଇ ବାତ ନାଇଁ, ହେଲ୍ପ ନାଇଁ କରେ ତୋ ବଟ ପରେଶାନ ତୋ ନା କରେ। ରାଜବୀର କୁ ସ୍ପାଇନାଲ ମସ୍କୁଲାର ଆଟ୍ରୋଫି ଟାଇପ୍ 2 ରୋଗ। ଫୁଲବାଣୀ ଗଞ୍ଜୁଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଆମ୍ବପଡ଼ା ଗାଁର 19 ମାସର ଶିଶୁ ରାଜବୀର ରଣା। ଯଦି ଆପଣ ବି ସହାୟତା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ନମ୍ବରରେ ସହାୟତା ପଠାଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଟଙ୍କା ଆଉ କିଛି ସହଯୋଗ ମିଶି ହୁଏତ ଗୋଟେ ମା ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିପାରିବ, ଆଉ ପୁଣି ହସିବ ଆମ କୁନି ରାଜବୀର। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା, ରାଜଧାନୀ ବିଜେଡ଼ିରେ ଫାଟ। ରାଜଧାନୀରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବିଜେଡ଼ିର ଯୁବ ଛାତ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ସମାବେଶରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଦଳୀୟ ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳର ଚିତ୍ର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସମାବେଶ ଆୟୋଜନ କରି ଦଳର ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଲାଗି ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱମାନେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ 3 ବିଧାୟକ ଆଉ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭିତରେ ଥମିବାର ନା ଧରୁନି ତୁତୁମେମେ। ରାଜଧାନୀ ବିଜେଡ଼ିରେ ଫାଟ, ନେତୃତ୍ୱ ସମାବେଶରେ ନେତାଙ୍କ ପତିଆରା ଲଢ଼େଇ, ଅଶୋକ ଅନନ୍ତଙ୍କ ଅଣଦେଖା, ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ଦବଦବା ଜାହିର। ସୁଶାନ୍ତ ଆସିବା ପରେ ପାୱାର କରିଡରରୁ କମିଲାଣି କି ଅଶୋକ ଅନନ୍ତଙ୍କ କାଟତି। ରାଜଧାନୀରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ବିଜେଡ଼ିର ଯୁବ ଛାତ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ସମାବେଶରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଦଳୀୟ ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳର ଚିତ୍ର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସମାବେଶ ଆୟୋଜନ କରି ଦଳର ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଲାଗି ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱମାନେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ 3 ବିଧାୟକ ଆଉ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭିତରେ ଥମିବାର ନା ଧରୁନି ତୁ ତୁ ମେ ମେ, ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ସୂଚାଉଛି ଦଳର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଅଥବା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତି କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଥରେ ଭଲ କରି ନଜର ପକାନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀର ବରମୁଣ୍ଡାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ନେତୃତ୍ୱ ସମାବେଶରେ ଦଳର ଅନେକ ନେତା ବସିଥିବା ବେଳେ ନାହାନ୍ତି ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ଓ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା। ଏପରିକି ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ବି ଉଭୟଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ତେବେ ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଉଭୟ ସମାବେଶକୁ ଆସିନଥିଲେ, ବରଂ ଦୁହେଁ ସମାବେଶକୁ ନିଜ ନିଜ ପଟୁଆରା ଧରି ଆସିଥିବା ବେଳେ ସଭାସ୍ଥଳରେ କେହି ବି ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ରହିନଥିଲେ। ଉଭୟ କେବଳ ଔପଚାରିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଫିତା କାଟିବା ପରେ ଅନନ୍ତ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ସେହିପରି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ଅନେକ ସମୟ ସଭାସ୍ଥଳଠୁ ଦୂରରେ ବସି ରହିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ କହିବା ଛଳରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦେବୀ ମିଶ୍ର ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଆସିବ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସାଂଗଠନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ଠିକଣା ବାଟରେ ରହିବା ତାହେଲେ
ଆମକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗଲାଥର ଯେମିତି ସାଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଭବ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତାହା ହବ ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଦଳ ଦଳ ସବୁ ସଂଗଠିତ ରହିଲେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରହିଲେ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ସଂରକ୍ଷଣ ତାଲିକାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟର ମାନେ ମଧ୍ୟ ମେଳି ବାନ୍ଧିବା ସହ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନେତା ନିଜ ଫାଇଦା ପାଇଁ ଏପରି କରିଥିବା ଦଳର ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯେଉଁ ଯେଉଁ କର୍ପୋରେଟର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାର ଯାହାର କିଛିଟା ମନ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି, ସେ ବିଷୟ ନେଇ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ତାପରେ କୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ନେବୁ କେମିତି କ'ଣ ହବ କ'ଣ ନାହିଁ। 25 ଭାଗ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ଥିତି ବଦଳିଯାଏ, 125% କର୍ପୋରେଟର ସ୍ଥିତି ବଦଳିଯାଏ, ଯେଉଁ 25% ସିଟ୍ ବଦଳିଯାଏ ସେମାନେ ଟିକେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସେ ବିଷୟରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିବୁ, ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବୁ ଯେ ସରକାର ଟିକେ ସେ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ପାୱାର କରିଡର ସହ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ନିବିଡ଼ତା ବଢ଼ିବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସଂଗଠନ ନେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ଅଶୋକ ଓ ଅନନ୍ତଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ିବା ଭୟରେ କେହି ବି ସିଧାସଳଖ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ସମୟ ହେଉଛି ପ୍ରାଇମ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଖବରକୁ ଏଠି ରଖିବା, ନମସ୍କାର।